कृपया हमको अनुमति दे, यहाँ रास्ता जो आप रोक करके खड़े हैं हट जाए, हम वहाँ पर दो लोग जा रहे हैं, चार लोग नहीं होंगे, पांच लोग नहीं होंगे। ये वही शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद हैं जो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर रहे थे। विरोध ही नहीं, पीएम मोदी को इशारे इशारों में धमका भी रहे थे, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद शंकराचार्य के भी सुर बदल गए। जबकि प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करने की वजह से शंकराचार्य सुर्खियों में भी जमकर बने हुए थे, तो एक बार फिर शंकराचार्य सुर्खियों में आ गए हैं, लेकिन राम मंदिर की वजह से नहीं बल्कि ज्ञान वापी के मुद्दे को लेकर। दरअसल वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी हुई ज्ञानवापी मस्जिद का एएसआई सर्वे आने के बाद से ही गहमा गहमी बड़ी हुई, और तो और इसे लेकर हिंदूवादी संगठन इसे लेकर ही आक्रामक हो गए हैं, और तो और हिंदूवादी संगठनों का साफ साफ कहना है कि मुस्लिम पक्ष को ज्ञानवापी से अपना दावा वापस ले लेना चाहिए। तो इसी बीच ज्ञानवापी के वजू खाने में मिले कथित शिवलिंग की परिक्रमा के लिए शंकराचार्य अड़ गए, लेकिन पुलिस ने शंकराचार्य को आश्रम के गेट पर ही रोक लिया। इस दौरान पुलिस के अधिकारियों शंकराचार्य के बीच जमकर बहस भी हुई। शंकराचार्य ने पुलिस से सवाल करते हुए पूछा कि सनातन का काम करने से उन्हें क्यों रोका जा रहा है। इस पर पुलिस ने धारा 144 का हवाला देकर शंकराचार्य को जाने से रोका था, साथ ही उन्होंने लिखित परमिशन के लिए भी कहा। इसके बाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने लिखित परमिशन के लिए आवेदन किया, वहीं परमिशन न मिलने पर आगे की लड़ाई जारी रखने की भी बात शंकराचार्य ने बोल डाली। लेकिन आपको हम दिखाते हैं शंकराचार्य और पुलिस के बीच किस तरह से बहस हुई। कृपया हमको अनुमति दे, यहाँ रास्ता जो आप रोक करके खड़े हैं हट जाए, ताकि हम अपने धर्म का पालन कर सके। आप धर्म का पालन करिए, लेकिन वहाँ की परिक्रमा की जरूरत नहीं है। बस क्या है भाई, परिक्रमा आप कह रहे हैं 144 धारा है, हम वहाँ पर दो लोग जा रहे हैं, चार लोग नहीं होंगे, पांच लोग नहीं होंगे। 144 जब लगी होती है तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है। जानकारी के मुताबिक ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर एएसआई की रिपोर्ट सामने आ गई है। जीपीआर सर्वे पर एएसआई ने कहा है कि यहां पर एक बड़ा भव्य हिंदू मंदिर था और ढांचे यानी मस्जिद के पहले एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में मंदिर होने के 32 से ज्यादा प्रमाण मिलने की बात कही गई है। बताया यह भी जा रहा है कि 32 ऐसे शिलालेख मिले हैं जो पुराने हिंदू मंदिरों के हैं। एएसआई की रिपोर्ट कहती है कि हिंदू मंदिर के खंभों को थोड़ा बहुत बदलकर नए ढांचे के लिए इस्तेमाल किया गया। वहीं उधर काशी के ज्ञानवापी पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा है कि अयोध्या के मंदिर मस्जिद विवाद और काशी के ज्ञानवापी विवाद के बीच काफी कुछ साम्य है। जिस तरह से एएसआई की सर्वे रिपोर्ट ने अयोध्या विवाद के मुकदमे में अहम रोल अदा किया, उसी तरह ज्ञानवापी मामले में भी होगा। आइए आपको सुनाते हैं सत्येंद्र दास ने क्या कुछ कहा। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मंदिर है ही है और मंदिर था ही, इसलिए उसको साक्ष्य को जो सार्वजनिक किया है वो बहुत अच्छी बात है। सभी लोग जानें कि मंदिर है और मंदिर के साक्ष्य हैं, और कोर्ट को भी अब ये सबूत मिल गए हैं, इसलिए कोर्ट को कोई अब संशय नहीं है, उसको स्पष्ट रूप से हिंदुओं के पक्ष में आदेश पारित कर दे, जिससे कि भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित करके और उनकी पूजा अर्चना शुरू करें हिंदू। और जब हिंदू पक्ष में सारे सबूत हैं और मुस्लिम पक्ष में कोई सबूत ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि वो ज्ञान वापी हिंदुओं का मंदिर है और वहाँ मस्जिद नहीं है। जो मस्जिद के नाम लेते हैं गलत है। फिलहाल शंकराचार्य ने कहा है कि परमिशन अगर नहीं मिली तो वो इसके लिए आगे की लड़ाई लड़ेंगे। अब देखना होगा कि उनको परमिशन मिलती है या फिर नहीं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।